नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज बसवना जी की जयंती है। आज हम उनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में है और आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह मैं बसवना जी की समाधि गया और वहां पर जो उनका उनकी जिंदगी का के काम थे उनको देखने को मिला। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव आ रहा है और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र की नींव है, वो सबसे पहले बसवना जी ने रखी थी। तो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, या हमारा हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवना जी की सोच ने रखी। और उनकी सोच थी कि समाज में भाईचारा हो, सबकी इज्जत हो, सबकी आवाज सुनाई दे। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति जरूरी होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब लोग जरूरी। और बसवना जी ने कहा था, डरो मत, सच्चाई बोलो और डरो मत, कुछ भी हो जाए डरो मत। और आज अगर हम देखें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते। बसवना जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बसवना जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो। बसवना जी ने मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया, मैंने प्रधानमंत्री से पूछा आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है। देश का पूरा धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, आपका रिश्ता क्या है। LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मगर उससे बात नहीं बनी, मेरे भाषण को मिटा दिया पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से, फिर अंत में मुझे लोकसभा से निकाल दिया। अगर ये सोचते हैं कि सच्चाई सिर्फ लोकसभा में बोली जाती है, सच्चाई तो कहीं भी बोली जा सकती है, सच्चाई तो यहाँ भी बोली जा सकती है। तो बसवना जी ने कहा क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो कमजोर लोग हैं सरकार को उनके लिए काम करना चाहिए और हर व्यक्ति को बड़ा सा बड़ा सपना देखने का हक है। किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। बसवना जी ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने, बसवना जी की जो सोच है उस पे हमने फायदे किए। बसवना जी ने कहा था कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए, हमने गृह लक्ष्मी स्कीम दिया। सरकार आने के बाद 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। अन्नभाग्य स्कीम, 10 KG हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। और शायद सबसे जरूरी, युवा निधि, 3,000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को और 1,500 रुपए
जिनको डिप्लोमा डिप्लोमा मिला है उनको हर महीने। तो एक तरफ हमने जो वायदे किए हैं बसवना जी की सोच के वायदे किए, अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की कि उनकी किताब में उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात हो। मैंने उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो, कहीं भी नहीं मिला। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं, जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं, 80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े होंगे, आप पे भी इन्होंने स्कैम किया। पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया और जवाब कभी नहीं आने वाला चिट्ठी का। और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ, जहाँ भी जाते हैं मगर स्टेज पे दाएं बाएं नहीं दिखते। प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ। इन्हीं लोगों ने 40% कमीशन लिया है, इसी पैसे से पिछली सरकार के MLA चोरी छीने गए थे। आप याद रखिए आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी, ये चोरी की सरकार है, 40% कमीशन वाली सरकार है और इन्होंने MLA चुरा कर सरकार बनाई। प्रधानमंत्री जी जरा कर्नाटक को बताइए ये जो MLA खरीदे गए इनको खरीदने का पैसा कहाँ से आया? गोवा में खरीदे गए, मध्य प्रदेश में खरीदे गए, कर्नाटक में खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट में खरीदे गए, ये पैसा कहाँ से आता है? भाई और बहनों ये जो आपसे पैसा छीना जाता है, भ्रष्टाचार में लिया जाता है 40% कमीशन वाला, ये इन्हीं पैसों से ये सरकार खरीदते हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना उनकी 40 सीटें आने वाली है। अच्छा आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगा रखे हैं बीजेपी के लोगों ने, मुझे पार्लियामेंट हाउस से निकाल दिया, घर ले लिया, बिल्कुल। देखिए बात देखिए, उन्होंने घर छीन लिया मेरा और हजारों लोगों ने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी, राहुल जी आप हमारे घर ले पे आ जाए, मुझे कोई घर की जरूरत नहीं। इन्होंने ले लिया, अच्छा किया, मगर केस में कहा कि मैंने OBC के बारे में गलत शब्द प्रयोग, इससे पहले मैं किसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग नहीं करता, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की इज्जत करता, जैसे मैंने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता। अगर नरेंद्र मोदी जी ने OBC की बात उठाई तो फिर मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम देश की जनता को भागीदारी देना चाहते हैं, अगर हम देश का धन बांटना चाहते हैं तो हमें यह तो मालूम होना पड़ेगा कि कौन से लोग कितने हैं, कितनी आबादी किसकी है, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, OBC कितने हैं, SC कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ये पता तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें यही नहीं मालूम तो देश के धन को बांटा कैसे जाए? जब UPA की सरकार थी हमने कास्ट सेंसस किया था, उसमें हमने सबसे पूछा था आपकी जात क्या है। नरेंद्र मोदी जी एक काम कीजिए, उस सेंसस के डेटा को पब्लिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। OBC कितने हैं, कौन है, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कितने, सब पता लग जाए। नरेंद्र मोदी जी से सवाल है आप OBC सेंसस के डेटा को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप OBC को हिंदुस्तान का धन नहीं बांटना चाहते। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप सेंसस डेटा को रिलीज करते। तो ये हुआ पहला काम, और अगर आप इस काम को नहीं करोगे पहले हम आप पे दबाव डालेंगे और फिर हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, ये जो 50% का आर्टिफिशियल कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे उसको आप हटाइए, मतलब जो 50% का कैप लगा रखा है उसको आप पहले हटाइए, और जिसकी आबादी
उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के धन को, हिंदुस्तान के पावर को सही तरीके से बांटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ओबीसी मत की बात करते हैं तो इन चीजों को आप करिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले। क्यों चले? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, नफरत मिटाने के लिए। और बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, मेन जरूरी बात यह है कि हम आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, हम बीजेपी और आरएसएस जो नफरत और हिंसा फैला रही है हम उनके खिलाफ, और हम उनसे डरने वाले नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी आरएसएस को हराएंगे। आप सब यहाँ आज आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी को 150 सीटों से जिताना है, 40%।